वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी के तिकुनिया पहुंचे और उन्होंने 3 अक्टूबर को मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उनसे खास बातचीत की संवाददाता अविनाश सिंह ने। तिकुनिया में श्रद्धांजलि सभा जारी है और इस सभा में अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची थी और आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी। जयंत जी, मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है, इस बीच जो भाजपा है वो आप लोगों पर आरोप लगा रही है, किस मुद्दे पर आप लोग सियासत कर रहे हैं? नहीं तो सियासत कंगना रनौत के इशारे के मुद्दों पे होगी क्या? जमीन के मुद्दे, खेती के मुद्दे, अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल, यही तो सवाल हैं। राजनीति हमेशा से इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रही है, आगे भी रहेगी। राजनीतिक संगठनों का हक बनता है, अधिकार है और जिम्मेदारी है। हम लोग ऐसे मुद्दों पे सक्रिय रहे, समाज के बीच रहे, को आप आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल, आखिरी मुकाम तक, जब तक परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता आंदोलन भी चलता रहेगा। हम लोग उसके सपोर्ट भी करेंगे और जो भी राजनीतिक मंच है वहाँ से भी सपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो लखीमपुर हिंसा में जो किसान मारे गए थे उनके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई, हालांकि इस सभा में अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा भले ही कुछ भी आरोप लगा ले, लेकिन जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो इस लड़ाई में शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर।